बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजन सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। रौरव नर्क महाभयंकर नर्क है। सभी अतृप्त पापी एवं कभी न मुक्त होने वाली आत्माएं रहती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में घोर पाप किए हैं। ऐसी आत्माएं आपको संकट में डाल सकती हैं। मुनिवर, आप जिन हनुमान की बात कर रहे हैं वो तो स्वयं संकट मोचन है। भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? इस दुष्ट स्त्री ने हमारे राजकुमार मारुति का हरण किया है और इसने हमारे महाराज पाली और किष्किंधा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। इसके लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ हाँ, इसे शीघ्र मृत्यु दंड दे देना चाहिए। यह अपराधिनी है, इसने महाराज बाली के साथ छल किया है। महाराज बाली की ही नहीं, आप सब लोगों की भी अपराधीन है। इसके कुकर्मों ने अंजन प्रदेश में हम सभी को अपराधीन बना दिया है, इसीलिए इसको दंड मिलेगा और ये दंड देंगे आप लोग। इस दुष्ट को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चे का अपहरण करके नारी जाति को अपमानित किया है। प्रभु श्री राम, लगता है अब मुझे इस जीवन में आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी जीवन ज्योति बुझने जा रही है, पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा ये जीवन आपके परम भक्त मारुति के काम आ पाया। बस अब मेरी यही एक प्रार्थना है कि अगले जन्म मैं आपके दर्शन पा सकूं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुको तुम लोग।
ये क्या हाल बना दिया है लोगों ने तुम्हारा? जामुन जी, आप इस स्त्री को क्यों बचा रहे हैं? बस बहुत हो गया, आप लोग क्या अनर्थ कर रहे हैं मालूम भी है? कुंद्रा, तुम्हें आभास भी है कि क्या भूल कर रही हो तुम? जामुन जी, ये अपराधी नहीं है और इसी ने हमारे राजकुमार मारुति का अपहरण किया है। नहीं, 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 कुंद्रा, अवश्य ही तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो सन्यासिनी शबरी है, जो महर्षि मतंग की शिष्या है। वही महर्षि मतंग जिनके आशीर्वाद से मारुति का जन्म हुआ था। शबरी, ये सब अज्ञानी प्रजाजन है, इनके तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। तुम मेरे साथ चलो। किंतु जामवंत जी, मारुति के बारे में? लोक का रास्ता। समस्त पितृ आत्माओं को मेरा प्रणाम। हे पितृ आत्माओं, मेरी माँ अंजना के मुख से अनजाने में हाय निकली थी, जो किष्किंधा की महारानी
तारा के लिए अभिशाप बन गई और वो संतानहीन रह गई। अब आप सबसे प्रार्थना है कि यदि उनकी वो संतान यहाँ निवास कर रही है तो कृपया मेरी तारा मौसी को अभिशाप से मुक्त करें और उन्हें माँ बनने का गौरव प्रदान करें। सारी पितृ आत्माएं कहां लुप्त हो गई? अब मैं क्या करूं? हे पिता पवन देव, आपने सदा संकट काल में मेरा मार्गदर्शन किया है। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं क्या करूं। मारुति, हमें ज्ञात है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पुत्र, पितृलोक के स्वामी आर्यमा हैं, तुम उनकी प्रार्थना करो, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। पिताजी, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपको कोटि कोटि नमन। ॐ ह्रां ह्रीं रौं सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं रौं सूर्याय नमः। ॐ सूर्यार्याः शुकतुण्डस्य विसवितुश्चण्डरुचये पुण्डकरीकवनबन्धो। ये तो अनर्थ हो गया। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे? हमने मतंग ऋषि की शिष्या को प्रताड़ित किया। हे भगवान, अब न जाने कौन से संकट के बादल हम पे फटने वाले हैं। भैया, हमसे घोर अपराध हो गया है। इससे पहले कि और विलंब हो, हमें उस स्त्री से क्षमा मांग लेनी चाहिए। देवी शबरी, जय जय राम सीताराम, जय जय राम। इस औषधि को पी लो, इसको पीने से तुम्हारे घाव की पीड़ा कम हो जाएगी। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। पता नहीं महाराज बाली की बुद्धि कैसे फिर गई, जो उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया।
हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें देवी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम नहीं जानते थे कि आप कौन हैं। महाराज बाली, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। आपके स्थान पर कोई और होता तो वो भी यही करता। मारुति के प्रति आपके प्रेम ने आपसे ये करवाया। जामवन जी, आप उचित समय पर आ गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। ये भी ईश्वर की लीला है महाराज बाली। देवी शबरी, अब तो बता दो हमारा मारुति कहाँ है। हम जानते तो हैं कि मारुति कहाँ है, किंतु आपको बता नहीं सकते कि वो कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। महाराज बाली, यदि देवी शबरी जानती हैं कि मारुति कहाँ है, तो निश्चित है कि वो अत्यंत सुरक्षित होगा। आप तो जानते ही हैं महाराज बाली कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, उस पर कोई संकट नहीं आ सकता है। देवी शबरी, हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे राजमहल में चले। हम आपको इस अवस्था में नहीं छोड़ सकते। आपको गंभीर चोट लगी है। प्रभु, लगता है आप कोई बहुत बड़ी लीला करने गए हैं। अचानक शबरी का यहाँ आना और आपके अपहरण का भार अपने सिर लेना, कुछ तो है जो मैं भी नहीं समझ पा रहा। ओम सूर्यार्या शुकतुंडस्य विसवितुश्चंडरुचये कुंडकरीकवनबन्धो मंडलमुदतं वंदे कुंडलमाखंडलाशाया। जामवन जी, न जाने ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। महाराज बाली, ये जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो भूलवश हुई हैं। इसमें आपका क्या दोष? आपने तो वही किया है जो एक पिता अपने पुत्र के लिए ऐसी स्थिति में करता।